ओके, तो ये मेरे पास प्रैक्टिस प्रॉब्लम नंबर 2 है और इसको अब हम सॉल्व कर लेते हैं। और जो यूनिट्स है मेरे पास वो इंचीज में है। सो लेट्स स्टार्ट बाय ड्राइंग अ सर्कल। तो मैं सी सर्कल की कमांड एंटर करूंगा और यहाँ पे अब सर्कल्स ड्रा करूंगा। जो मेरा ये सर्कल है इसका रेडियस 1.5 है, तो मैं यहाँ पे 1.5 रेडियस का सर्कल ड्रा कर लेता हूँ। और अब वन बाय वन मैं सारे जो सर्कल्स हैं उनको ड्रा कर लेता हूँ। ये मेरा 2 रेडियस का सर्कल है, देन मुझे यहाँ पे 2.25 रेडियस का सर्कल ड्रा करना है और ये मेरे सर्कल्स कंप्लीट हो रहे। अब मुझे ये सर्कल ड्रा करना है जिसका मुझे रेडियस 0.37 है, लेकिन इससे पहले मुझे यहाँ पे सेंटर लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे एक सेंटर लाइन ड्रा कर लेते हैं। और अब मैं यहाँ पे सर्कल ड्रा कर लेता हूँ जिसका रेडियस 2.25 है और रेडियस मुझे सर्कल का 0.37 चाहिए। पॉइंट थ्री सेवन रेडियस का ये सर्कल ड्रा हो गया। और मुझे जो आउटर सर्कल है इसका रेडियस 0.75 है, तो इसको ड्रा कर लेते हैं। 0.75 और ये मेरे आउटर सर्कल का रेडियस जो है ड्रा। और इस लाइन को थोड़ा सा मैं स्ट्रेच कर लेता हूँ। ऑलराइट, ओके, तो ये मेरी 8 सर्कल जो था वो कंप्लीट हो चुका है ड्रा। अब मुझे बाकी जो सर्कल्स हैं उनको ड्रा करना है, तो उसके लिए मैं पोलर अरे जो है वो यूज करूंगा। मैं अपने सर्कल्स को सिलेक्ट करूंगा, पोलर अरे की टाइप बताऊंगा, सेंटर जो मेरे पास पॉइंट है उसको बताऊंगा। और ये मेरा पोलर अरे से जो सर्कल्स हैं वो बन चुके हैं, लेकिन अब मुझे इनकी सेटिंग थोड़ी चेंज करनी है। मुझे टोटल नंबर ऑफ जो सर्कल्स हैं वो 4 चाहिए और मुझे इनको 180 डिग्री तक रोटेट करना है। और मुझे इसकी डायरेक्शन को भी चेंज करना है अदर साइड। ऑलराइट, तो ये मेरे यहाँ पे जो हाफ साइड थे उसके फीचर्स कंप्लीट हो रहे हैं। अब मुझे 80 डिग्री के ऊपर ये एक फीचर बनाना है। पहले मैं इस अरे को एक्सप्लोर करूंगा और अब दोबारा अरे की कमांड दूंगा, अपने इन दो सर्कल्स को सिलेक्ट करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, अरे की टाइप बताऊंगा, सेंटर पॉइंट जो है वो मेंशन करूंगा। और अरे क्रिएशन के टैब में मैं यहाँ पे नंबर ऑफ आइटम्स 2 एंटर कर दूंगा। और मुझे ये डिस्टेंस जो एंगल है वो 80 डिग्री रिक्वायर्ड है, 80 डिग्री दे दूंगा। और इसके साथ ही मैं इसको एंटर कर दूंगा और ये मेरा फीचर यहाँ पे बन जाएगा। इसको भी एक्सप्लोर कर देते हैं। तो ये मेरी जो रिक्वायर्ड सर्कल्स है ये सब बन चुके हैं। अब मुझे यहाँ पे ये रेडियस जो है, ये फिलर जो है, इसको ड्रा करना है जिसका रेडियस 0.25 है। फिलर की कमांड देंगे, रेडियस बता देते हैं 0.25 और ये मुझे मल्टीपल टाइम चाहिए। तो मैं अब यहाँ पे वन बाय वन फिलर जो है वो अप्लाई करूंगा। ये मेरे इस सर्कल के साथ है, तो ये और ये मेरे सर्कल को सिलेक्ट करता जाऊंगा मैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे मेरी फिलर्स कंप्लीट हो चुकी हैं और अब मुझे इनकी ट्रिमिंग करनी है। तो मैं यहाँ पे ट्रिम की कमांड दूंगा, 2 टाइम एंटर प्रेस करूंगा और बहुत केयरफुली अब मुझे इन मार्क्स को रिमूव करना है। तो ये देखें,
और जो एक्स्ट्रा लाइंस रह रही हैं ये मेरी अब इरेज्ड ही कमांड के साथ डिलीट हो जाएंगी। और ये देखें ये मेरी शेप यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। अब मुझे लाइन की प्रॉपर्टीज को चेंज करना है और इनकी जो अदर दो सेंटर लाइंस हैं ये वाली और एक ये 80 डिग्री के एंगल पे इसको ड्रा करना है, तो इसको ड्रा कर लेते हैं। लाइन की कमांड लेंगे जी, तो यहाँ पे मेरी ये शेप अब कंप्लीट हो रही है। नाउ लेट्स चेंज इस लाइन टाइप्स, एलटी की कमांड देंगे और यहाँ पे मैं अब लोड कर लेता हूँ लाइन टाइप्स। मुझे यहाँ पे आईएसओ डैश जो लाइन है डॉटेड इसको लोड करना है, क्रिएट करूँगा और इन सब लाइंस की जो टाइप है मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ आईएसओ डैश टाइप। और प्रॉपर्टीज पैलेट पे जाते हैं हम, यहाँ से मैं इसकी लाइन टाइप की जो स्केल है उसको कंट्रोल कर लेता हूँ। ओके, और मुझे इस सर्कल की भी जो टाइप है वो आईएसओ डैश करनी है, इसकी स्केलिंग भी 0.5 कर देते हैं, 0.05। ओके, तो अब मेरे पास यहाँ पे जो रिक्वायर्ड ज्योमेट्री है वो कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट अब मुझे इनकी जो टलरिंग है उसको चेंज करना है और आउटर जो है उस एलिमेंट्स को चेंज करना है। सबसे पहले हम इनकी ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर देते हैं और मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो 50 कर देता हूँ और इसका कलर मैं यहाँ पे ब्लू कर। और जो नेक्स्ट मेरे पास ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मैं सेलेक्ट करता हूँ और इनकी मैं यहाँ से लाइन टाइप वेट जो है वो 0.3 मिलीमीटर कर देता हूँ करेंगे और ये वेट्स को मैं शो कर देता हूँ और ये मेरी जो रिक्वायर्ड शेप थी वो यहाँ पे बन चुकी है।